छात्रों, आज हम कक्षा दसवीं में जो हमने विद्युत वाला पाठ शुरू किया था उसका भाग दो। तो अब हम विद्युत के बारे में और पढ़ेंगे। हमने अभी तक विद्युत धारा, विभवांतर और विभव के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ आरेख। जो विद्युत परिपथ आरेख होता है, जैसे हमने पूर्व में भी बताया था आपको कि ये एक सेल है और इस प्रकार धारा उत्पन्न हो रही है, और अमीटर जो कि धारा को नाप रहा है, और ये कुंजी, इससे हम कुंजी निकाल देते हैं तो परिपथ टूट जाता है। ये ऐसा है, इसका मतलब है बंद परिपथ। तो बंद परिपथ में मान लो ये बल्ब क्या होने लगता है, जलने लगता है। इस प्रकार ये साधारण परिपथ है। तो जो परिपथ होते हैं उस परिपथ में हम जिन भी उपकरणों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उनके हम संकेत काम में लाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे, मान लो हमें विद्युत सेल है, तो विद्युत सेल का जो संकेत होगा वो इस प्रकार होगा। पूरा सेल नहीं बनाते हैं, ये देखिए, ये तार के द्वारा जोड़ दिया। ये जो लंबी लाइन है ये धन सिरे को प्रदर्शित करेगी, और छोटी लाइन ये, तो ये क्या है, संकेत है। ये परीक्षा में आते भी हैं। तो ये एक सेल है, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। जब हम ग्रुप में दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ते हैं तो इस प्रकार जोड़ सकते हैं। ये एक सेल, ये इसका धन सिरा और ये इसका ऋण। दूसरा सेल हम धन सिरे को जोड़ेंगे ऋण सिरे से, और इस प्रकार ये देखिए दो सेल हो गए, और इस प्रकार से हम तीसरा भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये कहलाती है बैटरी या सेलों का संयोजन। यहाँ पर तीन सेल लगे हुए हैं, एक दो और ये तीन। अच्छा, तीसरा है प्लग, कुंजी अथवा स्विच, खुली और बंद। इस प्रकार हम यदि देखते हैं ये वाला, तो आप देखेंगे कि ये खुली हुई है, ये कुंजी क्या है, खुली हुई है, और जो नीचे है वो यह है बंद कुंजी, मतलब प्लग लगा हुआ है। तार संधि, हम इस प्रकार तार संधि भी बना सकते हैं। आप देखेंगे कि तार संधि दो प्रकार से हम जोड़ते हैं, ये इस प्रकार जोड़ सकते हैं, ये तार संधि है। तो ये हम परिपथ में जो काम में लाते हैं वो संकेत हैं। बिना संधि के, कभी कभी हमें संधि नहीं करना पड़ती है तो हम तार को क्या कर देते हैं, क्रॉसिंग करवा देते हैं। विद्युत बल्ब, किसी भी परिपथ में हम विद्युत बल्ब का जो संकेत है वो इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक और एक होता है परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। तो ये प्रतिरोध को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, और परिवर्ती जो प्रतिरोध होता है उसको हम ये, या धारा नियंत्रक। ये धारा नियंत्रक, एमीटर को, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है जो कि धारा को, ये एमीटर है तो इसका एक धन सिरा और ये ऋण सिरा। वोल्टमीटर को वी से प्रदर्शित करते हैं, एक धन सिरा और एक ये ऋण सिरा। इस प्रकार हम परिपथ में जो काम में लाते हैं वो हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि
जब हम एक परिपथ तैयार करते हैं किसी भी, तो हम चालक पदार्थों से बनाते हैं, तो किसी भी चालक में जब हम विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, मान लो उसके ये दो पॉइंट हैं ए और ये बी, तो हमें इस ए बी पर दो सिरों के बीच हमें विभवांतर देखना है, और उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है उनके बीच में क्या संबंध है। तो इस संबंध को बताने के लिए ओम नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। अब वो प्रयोग मैं आपको पहले समझा रही हूँ, फिर आप ओम का नियम पढ़ेंगे। तो ओम के नियम के अध्ययन के लिए उसने एक विद्युत परिपथ बनाया, किस चीज को जानने के लिए, किसी भी चालक के सिरों के बीच विभव अंतर, जैसे यहाँ पर ए और बी दो बिंदु हैं, तो इनके बीच विभव में कितना अंतर है। तो आपको चित्र से समझ में आ रहा है कि ए का विभव ज्यादा है और बी का विभव कम है, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। तो ये आप देखिए एक परिपथ है, ये सब संयोजी तार के द्वारा जोड़कर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो यहाँ पर किसी भी परिपथ में धारा का एक स्रोत होना चाहिए। तो हमने ये बैटरी ली हुई है, आप देख रहे हो ना, चार सेलों से हमने जोड़कर बैटरी ली हुई है। एक सेल को हम इस प्रकार दर्शाते हैं और दूसरा सेल इस प्रकार हम जोड़ते चले आते हैं। तो ये एक बैटरी है, हर बैटरी के बीच उसमें विभवांतर रहता है, ये धन सिरे हैं, इनको हमने जोड़ दिया, धारा बहेगी। और एक प्रतिरोधक तार है, आप देख रहे हो ना, ये आर क्या है, एक प्रतिरोधी तार है। इसके हम दो सिरे एक्स और वाई, हमें इनके बीच का विभवांतर पता करना है। विभवांतर को नापने के लिए हम एक यंत्र वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। वोल्ट मीटर, ये देखिए वोल्ट मीटर लगा है, और वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समानांतर क्रम में लगाते हैं। जोड़ते समय ध्यान रखते हैं कौन से क्रम में लगाएंगे, समानांतर क्रम। देखिए ये समानांतर क्रम में भी, इसका धन वाला हिस्सा ये, ऋण वाला ये। अब इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित होने के बाद कितनी धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है, हम इसको अमीटर से नापेंगे। ये अमीटर एक यंत्र है, ये धन और ऋण। ये उसके बाद कुंजी, मतलब हमें पूरे परिपथ में धारा का प्रभाव रोकना है या जोड़ना है। तो अभी धारा बह रही है और इस प्रकार धारा यहाँ होती हुई वापस सेल में चली जाएगी। तो यह है एक विद्युत परिपथ। तो हम क्या करते हैं कि विद्युत इस प्रयोग को करने के लिए पहले हम एक सेल लगाते हैं परिपथ में जुड़े से, एक सारणी बनाई है ये, तो एक सेल लगाते हैं और हम देखते हैं कि इसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। धारा का जो संकेत है वो आई, और ये हम किससे नापेंगे, अमीटर से, और एम्पियर में नापते हैं धारा को। किस में नापते हैं, एम्पियर में। तो ये इस वाले उपकरण से नापेंगे और यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद उसी समय इस वोल्ट मीटर में कितना विभव आ रहा है उसकी नाप भी हम वोल्ट में यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम सेलों की संख्या मानो हमने दो कर दी, तो उस समय भी हम पुनः जिस प्रकार अभी लिया वैसे इनका हम अवलोकन करके इनकी जो भी पाठ्यांक या रीडिंग आती है उसको हम यहाँ नोट करते जाएंगे। अब हमने फिर तीसरा सेल लगा दिया, फिर चौथा सेल लगा दिया, मतलब हम धारा का मान बार बार क्या कर रहे हैं, यहाँ परिवर्तित कर रहे हैं। जब हम धारा का मान परिवर्तित करते हैं तो उसके सिरों का विभवांतर भी उसी अनुपात में बदल जाता है। फिर हम दोनों विभवांतर और धारा का जो अनुपात है आई वो हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो ये ओम के नियम ने ये प्रयोग करके बतलाया, ये ओम के नियम के अध्ययन का एक विद्युत परिपथ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ओम के नियम ने क्या बतलाया कि किसी भी विद्युत परिपथ में हम जब धातु का जो भी तार हमने लिया उसके दो सिरों के बीच जो विभवांतर है
वी वो उसमें बहने वाली धारा, धारा को हम आई से प्रदर्शित करेंगे। वो आई के क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती का ये चिन्ह है, और पर शर्त यह है कि तार गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे तार की स्थिति पहले थी वैसी ही होना चाहिए, मतलब तार का ताप समान होना चाहिए। ये ओम का नियम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ओम के नियम में वी समानुपाती आई। यहाँ पर हम समानुपाती का चिन्ह क्या करेंगे, हटाएंगे, तो हम लाएंगे वी बराबर आर आई। आर यहाँ पर एक प्रतिरोध है, एक नियतांक है। ये नियतांक मतलब इसका मान नियत रहता है, धारा और विभवांतर के समानुपाती का। और ये जो आर प्रतिरोध है इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का एस आई मात्रक ओम है। ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए ये ओम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो समीकरण है, इस प्रकार बी बराबर आर आई, इससे हम तीन प्रकार के सूत्र क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एक मिनट, तो हमने पूर्व में सूत्र निकाला V बराबर आर आई, ये एक हो गया। इसको हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। V यहाँ पर विभवांतर है, R प्रतिरोध है, और I इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, R बराबर V बटे I, ये दूसरा। या इसका हम I बराबर V बटे R, इस गणित हल करते समय हम इस प्रकार तीनों सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे परिवर्ती प्रतिरोध। जब परिपथ में हम धारा के मान को हमें नियंत्रित करना है, किसी भी विद्युत धारा के मान को बदलना है, कम या ज्यादा करना है, तो हम एक परिवर्ती प्रतिरोध, एक उपकरण है, उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है धारा नियंत्रक। यदि किसी परिपथ में हमें प्रतिरोध को परिवर्तित करना है तो हम धारा नियंत्रक का उपयोग कर सकते हैं। ये ओम के नियम के सत्यापन करने वाले, जब हम परिपथ तैयार करते हैं तो इनमें उन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ओम का नियम विभवांतर और बहने वाली धारा के बीच में क्या बतलाता है, संबंध बतलाता है। अब जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध मतलब एक प्रकार की परिपथ के मार्ग में बहने वाली क्या है, रुकावट है। प्रतिरोध मतलब रुकावट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चालक की गति करते हैं, और यदि तो ये चार बातों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, चालक के लंबाई को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए एरिया से प्रदर्शित करते हैं, चालक पदार्थ की प्रकृति मतलब वो चालक किस पदार्थ का बना है, इसका एक पॉइंट और है कि चालक का ताप। चालक का ताप पर भी प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। अब हम एक देखेंगे कि जो किस प्रकार प्रतिरोध जो रहता है, किसी चालक का प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होता है, लंबाई पर, उसकी मोटाई पर और पदार्थ की प्रकृति पर। तो
हम एक प्रयोग करके देख सकते हैं। ये एक परिपथ बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये अमीटर, ये सेल लगा हुआ है, ये कुंजी है। मान लो हमने ये एक तार जोड़ दिया, आप देख रहे हैं ना, ये इस प्रकार एक तार है हमने जोड़ दिया, तो हम अमीटर देखेंगे, धारा का मान देखेंगे। तो धारा का मान हमने नोट कर लिया। उसके बाद हम इस तार की जगह, ये दूसरा तार इस प्रकार आप देख रहे हैं ना, इसकी लंबाई क्या हो गई है, बढ़ गई है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको हमने लगा दिया, तो हम देखेंगे कि अमीटर का पाठ्यांक क्या हो गया, बदल गया। मतलब ये जो अमीटर की जो रीडिंग है धारा, वो चालक की लंबाई पर निर्भर करती है, क्योंकि चालक की लंबाई क्या हो गई, बदल गई। अब हम मान लो दूसरी स्थिति देखें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हमने इसकी जगह एक तीसरे नंबर वाला कुछ मोटा, ये आप देख रहे हैं ना, कुछ मोटा तार लगा दिया, मतलब उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल गया, तो यहाँ पर भी धारा का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। अच्छा, हमने अब उसी लंबाई का कोई दूसरे पदार्थ का, मान लो एक बार तांबे का लिया, दूसरी बार मान लो हमने लोहे का तार ले लिया, तो हमने चौथी स्थिति में क्या किया, उसका तार की प्रकृति, अलग पदार्थ का बना हुआ तार ले लिया, तो भी हम देखते हैं कि धारा का मान यहाँ बदल गया। तो प्रतिरोध, चारों स्थितियों में, तीनों स्थितियों में प्रतिरोध क्या हो जाता है, अलग अलग होता है, क्योंकि वो लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, और चालक के ताप पर निर्भर करता है। यही वही है कि मैंने वो बताया है, वही चीज यहाँ पर अभी हम समझा रहे हैं कि हमने नाइक्रोम के तार के बदले तांबे का तार ले लिया, और हम प्रत्येक बार उसका विद्युत धारा क्या करते हैं, नोट करते हैं, तो ये हम देखते हैं कि विद्युत धारा लंबाई के कारण, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कारण और प्रकृति के कारण क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो प्रतिरोध है उसका लंबाई या प्रकृति सबके कारण क्या हो जाता है, बदल जाता है। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम है, क्या है, ओम है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो आर समानुपाती L, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि मान लो क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और यदि क्षेत्रफल मान लो कम हो जाता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है तो प्रतिरोध कम होता है। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, R समानुपाती L, और ये तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, और क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हम ये समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो एक इस प्रकार रो का चिन्ह आता है, ये जो रो है ये कहलाता है प्रतिरोधकता, ये चालक की क्या हो जाती है, इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं। तो जो प्रतिरोधकता है, ये जो मिश्र धातु है, दो या दो से अधिक हम धातुओं को जोड़ देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जैसे तांबा है, तांबा की मान लो प्रतिरोधकता, और तांबे की जो मिश्र धातु है उसकी प्रतिरोधकता, तो मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है उसके अवयवी धातु की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। और जो मिश्र धातु होते हैं उनका उच्च ताप पर
शीघ्र दहन नहीं होता है, इसलिए हम मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर, जितने भी विद्युत तापन युक्ति बिजली वाले और जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उनमें हम इस मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार प्रश्न आ सकता है कि विद्युत प्रेस और विद्युत ताव जो टोस्टर हैं, उनमें हम मिश्र धातुओं का उपयोग क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि इन मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र दहन नहीं होता, मतलब ही जलना आरंभ नहीं करते। अब इसमें वही प्रश्न आ सकते हैं कि विद्युत टोस्टर और विद्युत प्रेस में तापन अवयव शुद्ध धातु के नहीं बनाते हैं, बल्कि किसके बनाते हैं, मिश्र धातु की, तो आप कारण बताइए। फिर दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है ओम का नियम, इसका रेखा चित्र की आपको प्रैक्टिस करनी है और ओम का नियम बताना है। धन्यवाद।